बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ पर वुमेन कमीशन की जानिब से 3 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। और वर्कशॉप का मकसद साहबियों की न सिर्फ सेंसिटाइजेशन है, बल्कि जो जेंडर बेस वायलेंस के हवाले से के सनपी हसासियत के हवाले से साहबियों को किस तरह ब्रीफ किया जाए, उसको किस तरह तरबियत दी जाए, ताकि वो अपने कर्म के ज़रिए, अपने सोच के ज़रिए ख्वातीन के हकूक़ के तहफ़ के लिए और सनपी हसासियत के हवाले से अपना किरदार अदा कर सके। प्रोग्राम के पहले दिन सीनियर सहाफ़ी और बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शिराई साहब थे, जिन्होंने न सिर्फ साहबियों को इस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि हिदायत भी दी कि वो किस तरह न्यूज़ एडिटर, खुसूसन न्यूज़ एडिटर को रिक्वेस्ट की और हिदायत दी कि वो किस तरह अपने कलम के ज़रिए और किस तरह अपनी प्रूफ रीडिंग के ज़रिए ख्वातीन के तहफ़ या ख्वातीन के हवाले से जो मनपी तासर है उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। मिनिस्टर एडिस, हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं, उनको वेलकम करते हैं जर्नलिस्ट के इस गैदरिंग में। कल मैंने मिनिस्टर साहब से बात की थी कि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट रोल है अबाउट द मीडिया इन्फ्लुएंस, उसमें डेस्क के न्यूज़ एडिटर्स हैं, डेस्क के सब एडिटर्स हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट चीज़ों को इन प्रॉपर इफेक्टिव वे हाईलाइट करने में। तो वर्कशॉप की इब्तदाई तकरीब के मारसूसी वह चेयरपर्सन वुमेन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर रफत सरदार थी, जबकि पेशावर प्रेस के सदर एम रियाज खान भी इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वर्कशॉप की ओपनिंग की। इस मौके पर सूबे भर के न्यूज़ एडिटर्स और मुख्तलिफ अजला के सीनियर साथी भी इस वर्कशॉप में मौजूद थे। बाकी ट्रेनिंग के हवाले से जो अगराज मकासद थे वो तो जैसा शिकारी साहब ने बयान किए, तो मैं कुछ कलमात के लिए आमना दुरानी साहब और खैबर पख्तूनख्वा कमीशन स्टेटस ऑफ वर्किंग के साथ डायरेक्टर प्रोग्राम हैं, तो उसको मैं दावत खिताब दे दूँ कि वो ट्रेनिंग के हवाले से और आगे नेटवर्क के हवाले से वो यहाँ के बात करें। और ऑनरेबल मिनिस्टर टू बी ओवर हेयर, जाविर साहब ने तो भी ठीक ठाक लंबी चौड़ी प्रोफेशनल एजुकेशन हिस्ट्री बताई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट योर कमिटमेंट सर, योर ऑनरशिप फॉर सच इवेंट्स, योर ऑनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप हम जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप कैसे उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, उसको ओन करते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन को शो करते हैं, दैट्स हाईली रिमार्केबल एंड वी हाईली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस ओवर हियर सर, थैंक यू। वर्कशॉप के तीसरे दिन भी जेंडर बेस वायलेंस के हवाले से साहबियों को ब्रीफिंग दी गई है और इन्हें बताया गया कि वो किस तरह ख्वातीन के हकूक़ के तहफ़ और ख्वातीन के हवाले से जो मनपी प्रोपेगेंडा है उसको किस तरह रोका जा सकता है, या उसकी जो न्यूज़ है उसको किस तरह पलक झपक के उसके खूबसूरत अंदाज से बनाया जा सकता है, ताकि माशरे में ख्वातीन के हवाले से जो मनपी तासर है उसको ख़त्म किया जा सके। वर्कशॉप के आखिरी और तीसरे रोज़ मेहमान खसूसी वज़ीर आला के मुआइन खसूसी मिनिस्टर सेफ थे, उन्होंने वर्कशॉप में साहबियों से मुलाकातें की और इस हवाले से अपनी तकरीर में साहबियों पर जोर दिया कि वो ख्वातीन के हकूक़ के तहफ़ के लिए न सिर्फ हुकूमत के शाना बशाना काम करें। उन्होंने वुमेन कमीशन खैबर के भी के चेयरपर्सन डॉक्टर सरदार और इसकी टीम को शानदार पानखरा तस्म पेश किया और कहा कि इस तरह के वर्कशॉप से न सिर्फ साहबियों की इस्तेदादकार में मदद मिलेगी, बल्कि माशरे में एक अच्छा तासर भी मिलेगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि सूबाई हुकूमत इस हवाले से न सिर्फ प्रस्तावों की इस हवाले से मदद करेगी, बल्कि जो सिविल सोसाइटीज़ है या जो इंटरनेशनल इदारे हैं उसकी भी भरपूर हौसला अफजाई करेगी। आखिर में मेहमान खसूसी ने साहबियों में सर्टिफिकेट्स तकसीम की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यानी सच क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा, अगर आप माइंड ना करें तो एक फलसफियाना दलील आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्न अल-अरबी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मुस्लिम फिलासफर भी थे, सूफी भी थे, स्कॉलर भी थे। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि इल्म जो है वो बजाती खुद एक कुंजी है, ये बजाती खुद सोल्यूशन नहीं है, ये जवाब नहीं है, इट्स जस्ट अ की,
जिससे आप एक ताला खोलते हैं और वो दरवाजा खोल के आप एक नए कमरे में दाखिल होते हैं या एक नई मंजिल की तरफ सफर करते हैं। ये आपको सिर्फ इतना रोल देता है। उसकी वजह यह है कि एक वो इल्म है जो आपका इल्म है। अब क्या कैसे पता चलेगा कि आपका इल्म सही इल्म है या यही दुरुस्त इल्म है?